आपकी सराहना की है, काफी वह काफी प्रशंसनीय है। मानस में कहा गया है, जगदम्बा जहां अब तरही सो पुर बरनी न जाए। जहां सीता जी का जन्म हुआ है उस पुरी यानी जनकपुरी की कोई भी वर्णन कर ले, कितना भी वर्णन कर ले वो कम पड़ेगा। जगदम्बा जहां अब तरही सो पुर बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नित्य नूतन अधिकार। तो हम लोग वाकई काफी अभिभूत हैं कि जगदम्बा की नगरी में हम आए हैं। ग्रीष्म ऋतु है, समस्त पुरवासी, समस्त ग्रामवासी, पर्यात्रीगण, जितने भी यहाँ उपस्थित सज्जन हैं, जिन्होंने इस परम मांगलिक बेला के लिए छोटा सा भी प्रयास किया है, जाने अनजाने में जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, उन सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कुछ शब्द मैं चिरंजीवी वेद प्रकाश और सौभाग्य कांचनी कुमारी काजल के लिए भी करना चाहूंगा। आप दोनों आज से गार्हस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के बाद आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेवारियां आएंगी, आपको कुछ नए दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। हम ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से यह विनती करते हैं कि आप हमेशा सफलता के ऊंचाइयों को चूमें, सफलता के पर्याय बने और जीवन में नित नई ऊंचाई प्राप्त करें। बाइबल में भी कहा गया है कि मैरिजेज आर सेटल्ड इन हेवन, यानी स्वर्ग में शादियां जो होती है स्वर्ग में तय की जाती है कि किसकी शादी किससे होगी। इसलिए हमें एक तरफ आप अगर देखें तो दो जिला आपस में मिल रहे हैं, बेगूसराय और लखीसराय जिला, दो ग्राम आपस में मिल रहे हैं, मकसपुर ग्राम और शाहजहांपुर ग्राम आज आपस में एक हो रहे हैं। इसके बाद दो परिवार, उसके बाद दो मन, दो दिल आपस में मिल रहे हैं। तो इस परम मांगलिक बेला में मैं ईश्वर की अभ्यर्थना करते हुए, चूंकि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से चलकर आया हूं, तो उनकी ही दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मंगलमय हो पंथ सुहागिन, मंगलमय हो पंथ सुहागिन, यह मेरा वरदान, हर सिंगार की टहनी से, हर सिंगार की टहनी सी फूले तेरे अरमान, फूले तेरे अरमान। एक बार पुनः हम